ओम शांति। भगवान उवाच, किसी भी कार्य प्रोग्राम कोई भी हम सेवा करते हैं उसकी सफलता का आधार है प्योरिटी की पर्सनलिटी। हमारी प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी पर्सनलिटी है। हम जानते हैं जब हम देवता थे हमारी पर्सनलिटी कैसी थी। जब देव रूप में हमारा पूजन हुआ हमारे जड़ चित्रों की पर्सनलिटी भी कैसी थी। हमारा व्यक्तित्व सचमुच बहुत महान है और संसार को आकर्षित करने वाला है। एक रॉयल व्यक्ति की पर्सनलिटी भी सबको आकर्षित करती है। उसका चलना देखना खाना पीना उठना बैठना बोलना व्यवहार करना सब आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। लेकिन हमारी पर्सनलिटी हमारे व्यक्तित्व का आधार है हमारी प्योरिटी हमारी पवित्र दृष्टि। तो जो भी हमारे सामने आए उसे हमसे पवित्र वाइब्रेशंस मिलते रहें, ये इस महान ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ा योगदान होगा। हम अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को बढ़ा के चलें, हमारे चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता आंतरिक संतोष की झलक दिखाई दे। हमारी संपूर्ण प्योरिटी का ये प्रैक्टिकल स्वरूप होगा आंतरिक संतुष्टि और बहुत आंतरिक प्रसन्नता। बहुत बाहरी प्रसन्नता तो आपे ही चेहरे से झलकेगी, लेकिन हमारा चित्त बहुत प्रसन्न हो, हम आनंद से भरपूर हो गए हो, हमारा दिल ये गाता हो कि तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी तुम्हें जन्म जन्म से तलाश थी, तुमने वो सब कुछ पा लिया जो तुम्हें पाना चाहिए था, तुमने उन सभी खजानों से स्वयं को भरपूर कर लिया जो जन्म जन्म तुम्हारे काम आएंगे, तुमने अपना भाग्य बहुत उज्जवल कर लिया। हमारे दिल से ये आवाज निकले और प्रभु मिलन के बाद ईश्वरीय अनुभूतियों के बाद आत्मा संपूर्ण रूप से तृप्त हो गई हो तो हमारी संतुष्टता का प्रकाश हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी बनकर चारों ओर फैलेगा और संसार की आत्माओं को आकर्षित करेगा। हम कोई भी सेवा करते हैं चाहे प्रोग्राम बनाते हैं चाहे हम किससे मिलने ही जाते हैं, यदि तेरे मेरे का भाव है यदि स्वार्थ का भाव है मैं ही ये सेवा करूं दूसरे का नाम न हो जाए केवल मेरा नाम हो इस सेवा के योग्य केवल मैं हूं या इस सेवा की ड्यूटी केवल मुझे मिली हुई है इसलिए दूसरों को करने का अधिकार नहीं है, अगर ये भावनाएं हैं तो समझ ले हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी बहुत डाउन है और हम सेवा तो कर लेंगे नाम भी हो जाएगा लेकिन उसकी सफलता जो संसार को दिखाई दे वो हमें कदापि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम सभी व्यर्थ संकल्पों से स्वार्थ की भावनाओं से परे हो जाएं। ये स्वार्थ भी असंतोष का प्रतीक है, ये स्वार्थ भी एक बड़ी सूक्ष्म छोटी नहीं बड़ी सूक्ष्म इम्प्योरिटी है। स्वार्थ भाव बाबा के कार्यों में बहुत बड़ी बाधा है और स्वार्थ से करने वाली सेवाओं के बाद उसका पुण्य भी जमा नहीं होता क्योंकि उसका तत्काल फल मिल जाता है मान और सम्मान, जिसे बाबा कहते हैं वे कच्चा फल खा लेते हैं। तो आइए आज हम सारा दिन याद रखें मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, आज का ये सोमान रहेगा और हमारे मस्तक से पवित्रता का तेज चारों ओर फैल रहा है सूर्य की तरह और हमारे सिर के ऊपर है ज्ञान सूर्य, उनकी किरणें निरंतर मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।
और ये किरणें संसार से इम्प्योरिटी के कीटाणुओं को नष्ट कर रही हैं। तो आज सारा दिन इसी अनुभव में और धुन में रहेंगे। ओम शांति।